तो जी ये जितनी भी प्लेट्स हैं ये सब की सब मिल जाएंगी आपको 3 रियाल और 50 हलाले में। इसके अलावा जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेल्स के बहुत ज़्यादा डिज़ाइन हैं, ये सब के सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप लोग बालों पे कलर नहीं करवाते और जस्ट आप लोग कुछ टाइम के लिए करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह के मार्कर्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ आपको बहुत ही डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। इस तरह के जो पैक है ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा 575 में, काफ़ी सारे इसमें पीसेज हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आई हूँ मुजम्मा शामिल में, ये वाला मॉल जो है बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों की वैरायटी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगी यहाँ की सारी वैरायटी, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगी इसकी लोकेशन के बारे में। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अभी आप लोग को बता दूं कि मैं मदीना से जो है जद्दा शिफ्ट हो चुकी हूँ और अब जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो सारी मेरी जद्दा की होंगी। अगर मैं इंशाल्लाह बीच में मदीना गई तो वहाँ की भी मैं वीडियोस बना लिया करूँगी। तो बाकी जो है अब जितनी भी वीडियोस आएंगी वो जद्दा की आएंगी। तो जो लोग मुझे जद्दा से देख रहे थे या फिर जो लोग शिफ्ट होना चाहते हैं उन लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स वगैरह जद्दा में रहते हो तो आप लोगों ने उनके साथ ये वीडियोज़ लाजमी शेयर करनी है। तो जी आज जिस मार्केट में आई हूँ मैं, ये भी है 575 रियाल की, 575 की मार्केट है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा सामान जो है वो सस्ता भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक प्राइस की चीज़ें नहीं है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है 575 के भी मिलेंगी, ज़्यादा प्राइस में भी मिलेंगी। इसके अलावा जी आपको 3 रियाल में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट ये है कि यहाँ पर क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हो या फिर आप लोग को शॉपिंग करनी है या फिर यहाँ पे आप लोग विजिट वीज़े पे आए हो, आप लोग वापस पाकिस्तान जा रहे हो, आप लोग को चीज़ें चाहिए, तो ये जो मार्केट है बेस्ट मार्केट है आप इस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बर्तन की बहुत अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे प्लेट्स मिल जाएंगी। जिस तरह मैं आप लोग को मदीना में सारी शॉप्स दिखाती थी जहाँ पर आप लोग सेट बना सकते थे, वाओ 5 की मार्केट थी, वैसी ही जो है ना ये भी मार्केट है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ों की जो है ना वैरायटी मिल जाती है। तो यहाँ पर भी मेरी कोशिश होगी, जैसे मैं आप लोग को मदीना में सस्ती मार्केट सिखाती थी, यहाँ पे भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोग को सस्ती से सस्ती मार्केट दिखाऊं, ताकि अगर जो भी यहाँ पे आए शॉपिंग करना चाहें तो आप लोगों के लिए इजी हो जाए। तो खैर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ी जो है ना यहाँ पर एक पूरा सेक्शन बना हुआ है जहाँ पर आपको प्लास्टिक के बर्तन मिल जाएंगे, आपको जो है यहाँ पे कांच के बर्तन मिल जाएंगे, काफ़ी सारी वैरायटी जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाएगी। घर के यूज़ के लिए आपको इस तरह के सामान चाहिए तो ये सारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। और 575 में आपको ये वाली सारी चीज़ें मिलेंगी। इसी मार्केट में जो ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोग को बता दूँगी ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह का काफ़ी सारा सामान है, आपको बहुत ही प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी चीज़ें जो है ना यहाँ पे मिल जाती हैं। अच्छा, मदीना में भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट ये कि मुझे ऐसा लगा है कि इस वाली मार्केट में मदीना के मॉल से ज़्यादा या मार्केट से ज़्यादा वैरायटी है। वहाँ की जो वाओ 5 है अगर उसका और इसका कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर जो सामान है इसकी वैरायटी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी भी मिलेगी, वैरायटी भी मिलेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट सी रखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, ये सब आपको मिल जाएंगी 575 हलाले में। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैसा ही हिसाब है, 5 रियाल आप लोग देंगे और साथ में 75 जो है वो टैक्स कटेगा, इसके अलावा आपका कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। तो ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख लें, इस तरह के पूरे पूरे सेट आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर आते हो, आपको पार्लर के लिए चीज़ें चाहिए या फिर आप पाकिस्तान किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे जो है ना बंडल पैक्स आपको मिल जाएंगे जो कि आप लोग जो है ना गिफ्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, आपको पूरा जो है ना ट्रैवल की किट वगैरह जो होती है ये सब आपको मिलेंगी, काफ़ी प्यारे प्यारे इनके कलर्स थे। इसके अलावा आपको इस तरह की छोटी छोटी डिब्बियाँ भी मिल जाती हैं जिसमें आप लोग अपने ट्रैवल के सारा सामान वगैरह रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी और मज़ेदार सी चीज़ें मिलेंगी, जब आप लोग यहाँ पर आएँगे खुद देखेंगे कि आपको बहुत ही ना क्यूट सी चीज़ें मिलेंगी। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। इंशाल्लाह जो है ना ये चीज़ें भी मैं आहिस्ता आहिस्ता बाय करके जो है ना आप लोग को अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगी कि कौन सी चीज़ का क्या यूज़ है और जब हम यूज़ करते हैं तो वो कितनी यूज़फुल है हमारे लिए। इसके अलावा आप ये पूरा पैक देख लीजिए, आपको यहाँ पर कितने सारे स्पॉन्जेस वगैरह मिल रहे हैं, सब के सब आपको मिल जाएगा एक पूरा पैकेट 575 में। यहाँ पर आप लोग देख लें, आप लोग को इस तरह के बॉक्सेस में जो है ना बड़े क्यूट क्यूट से जो है ना ये सारे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये आपको मिलेंगे हेयर रोलर, अगर आप लोग हीट कर्लिंग करना चाहते हो तो आप इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी जो है ना एसेसरीज़ आपको मिल जाती हैं।
इस साइड पे देख लीजिए आप लोग, बच्चियों की पोनियाँ, क्लिप्स वगैरह, काफ़ी सारे डिज़ाइंस जो है ना ये सब आपको मिलेंगे इस एक ही मार्केट में। अच्छा, आज जो है ना मैं आपको पूरी मार्केट का एक ओवरऑल सारा व्यू दे दूंगी कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें आप लोग को मिल सकती हैं। आप लोग को जो भी पार्ट पसंद आए, जो भी चीज़ पसंद आए, आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसकी ना अलग से सेपरेट डिटेल से वीडियो बना दूंगी। तो आज आप ओवरऑल सारा देख लीजिए कि यहाँ से आपको जो है ना क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, लोकेशन जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे इस बात के मैसेज आते हैं कि आप प्लीज़ हमसे लोकेशन शेयर करें। तो देखिए प्लीज़, जब आप लोग वीडियोज़ देख रहे होते हैं तो आप लोग से मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना हर मार्केट की, हर मॉल की, जितनी भी मैंने मदीना में वीडियोस बनाई है सब की जो है लोकेशन डिस्क्रिप्शन में ऐड होती है, आप लोग वहां से देख लिया करें। अगर आप लोग को वहां पे भी समझ नहीं आती तो जो भी नाम होता है आप उस नाम को गूगल पे जब सर्च करते हैं तो आपको लोकेशन मिल जाती है। तो खैर, आप लोग जब भी मांगते हैं लोकेशन मैं आप लोग को दे देती हूँ। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आपको इस मार्केट से मिल जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को इस तरह की ये सारे धागे वगैरह अगर आप लोग को चाहिए तो ये सब चीज़ें आप लोग को यहाँ से मिलेंगी। इसके अलावा जी यहाँ से आपको इस तरह का पूरा सेट मिल जाएगा, अगर आप लोग को ये ज़रूरत है तो आप लोग ये सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जी ये देखिए, ये स्पेशल ऑफर में लगा हुआ था, 3 का पैक है ये। अगर आप लोग को कॉटन बॉल्स चाहिए तो ये भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छी ऑफर लगाई हुई है इन लोगों ने। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से आपको पूरा इस तरह का सेट मिल जाएगा। इसके अलावा जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको प्लास्टिक की जो है ना बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, हर तरह की जो आपको प्लास्टिक के बर्तन है यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये सारी जो है ना ये सारा सेक्शन एक प्लास्टिक का बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बास्केट्स वगैरह मिल जाएंगी, आटा रखने वाली बाल्टियाँ वगैरह जो होती हैं वो मिल जाएंगी, इस तरह की आपको डस्टबिन्स वगैरह मिल जाएंगी, सब कुछ जो है ना आपको इसी एक मार्केट से मिल जाएगा। यहाँ पे जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त स्टेशनरी का भी पूरा एक साइड बनाई हुई इन्होंने, बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिल जाएगी। तो अगर आप इस तरह का सामान लेना चाहते हैं तो ये सब भी आपको इसी एक ही मार्केट से मिल जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पेन्स वगैरह जो है ना काफ़ी हद तक आपको मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे जो है ना इन्होंने सेट बनाए हुए हैं जो कि आपको 5 रियाल और 75 हलाले में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग पेंसिल्स भी ले सकते हैं, मार्कर्स भी ले सकते हैं, कलर पेन भी ले सकते हैं, बच्चों के लिए जो है आप लोग कलर पेंसिल्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये सब के सब जो है ना ये आपको मिल जाएंगी इसी मार्केट से। तो आगे चलते हैं, आगे मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपको बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत ज़्यादा वैरायटी की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितनी भी स्लाइम है यहाँ पे अलग अलग इन्होंने डिज़ाइंस की बनाई हुई हैं, बच्चों को खिलौनों के साथ एंगेज करने के लिए बहुत ही ना डिफरेंट स्टाइल की चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ से आपको जो है ना बॉक्सेस वगैरह मिल जाएंगे गिफ्ट वगैरह पैक करने के लिए, बहुत ही क्यूट क्यूट, और ये जितने भी बॉक्सेज वगैरह हैं ये सब आपको मिल जाएंगे 5 रियाल और 75 हलाले में। काफ़ी सारे डिज़ाइन है, आप लोग किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इन बॉक्सेस में जो है ना गिफ्ट पैक कर सकते हो। इसके अलावा जी यहाँ पे आपको यहाँ पे बर्थडे के लिए जो भी सामान चाहिए हो, लाइट्स वगैरह चाहिए हो या फिर बैलून्स वगैरह चाहिए हो, सब के सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कैंडल्स वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा जी यहाँ पे आपको मिलेंगे डेकोरेशन पीसेस वगैरह, ये देख सकते हैं आपको काफ़ी तरह के जो है ना यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस वगैरह आपको मिल जाएंगे, ये वाला देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको इस तरह की जो है ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे जाके मैं आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह के जो है ना ये पीसेस वगैरह डेकोरेशन के, ये भी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह की, ग्रास वगैरह की, यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो है ना इनकी वैरायटी भी मिलेगी और ये काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी है। अगर आप लोग इससे डेकोरेशन वगैरह करना चाहते हैं घर की तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आप लोग ये सारा सामान भी यहाँ से ले सकते हैं। इस साइड का जो सेक्शन है ये भी काफ़ी बड़ा है, अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, आपको हर तरह के फ्लावर्स यहाँ से मिल जाएंगे। साइड पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी अगर आपको साइड टेबल के लिए कुछ भी चाहिए तो आप लोग ये सारे जो है ना यहाँ से ले सकते हैं। सब प्लास्टिक के हैं, टूटने का भी डर नहीं होता और बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो ये सारा सेक्शन भी आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पर आप लोग ये देख लीजिए, आपको नॉन स्टिक बर्तन मिलेंगे, बट ये है कि इनकी प्राइस आप जिस हिसाब से चीज़ लेंगे ना उतनी ही आपको प्राइस की ये मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको 40 रियाल में 45 रियाल में कुछ जो सामान है यहाँ पे 60 रियाल में भी आपको मिलेगा। बेकिंग की भी जो है ना यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के ऑप्शंस है, तो अगर आप बेकिंग पसंद करते हैं या फिर आपकी कोई फ्रेंड या फैमिली में कोई बेकिंग करता है, आप उसको गिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो है ना बाय कर सकते हैं। तो जी अब चलते हैं ऊपर, ये नीचे अभी तक मैंने आप लोग को सारा सेक्शन दिखाया है, आगे ऊपर जाके भी मैं आप लोग को कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ। ऊपर वाले सेक्शन में जो है ना आपको कपड़े वगैरह मिलेंगे और खाने पीने की चीज़ें मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कंबल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर जो है आपको एहराम वगैरह या फिर इस तरह के जो पिलोज वगैरह होते हैं ये सारे भी आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, सॉफ्ट हैं,
पर ये जो है ना प्राइस इनकी जो है 575 नहीं है, अलग अलग प्राइस में है। तो जब भी आप लोग आएँ तो अपने ध्यान से जो है ना ये सारी चीज़ें देख लीजिए। जायनमाज जो हैं इनकी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी भी है, वैरायटी भी है। अगर आपको नॉर्मल प्राइस में चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, अगर आपको अच्छे वाले चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको हैंड कैरी के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो मदीना में मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग बिलाल मार्केट के नीचे से लिया करें। यहाँ पर भी इंशाल्लाह मैं एक्सप्लोर करूँगी, मैं आप लोग को बताऊँगी कि कहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के मिलते हैं, तो फिर आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हैं। कपड़ों के भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कलेक्शन है, इसकी भी जो प्राइस है ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इस तरह के बच्चों के सूट्स वगैरह अगर आप लोग लेना चाहें या फिर शूज़ वगैरह लेना चाहें तो ये सब आपको मिल जाएंगे। अच्छा, शूज़ के बारे में मैं आप लोग को बताती जाऊँ कि ये चाइना के हैं, ये मत पूछिएगा कि ये जो है ब्रांडेड हैं या फिर कौन से हैं। तो ये सारे जितने भी शूज़ वगैरह हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे सब चाइना के। बैग्स वगैरह की आपको ये देख लीजिए, ये सारी वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा जी यहाँ पे बच्चों के खिलौने भी हैं, तो आपको जो है ना बच्चों के खिलौने भी यहाँ से मिल जाएंगे। तो मतलब ये है कि इस एक ही मार्केट से आपको बहुत सारा सामान मिल जाएगा, हर तरह की आपकी ज़रूरत का जो सामान है आपको इस एक ही मार्केट से मिल सकता है। लोकेशन जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को यहाँ का डिटेल में किसी भी एक सेक्शन का रिव्यू चाहिए हुआ तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। और बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि जद्दा में आप लोग कौन सी मार्केट देखना चाहते हो, किस चीज़ को देखना चाहते हो, तो उस हिसाब से फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना दूंगी। तो ये वाला सेक्शन जो है ये सारा जो है खाने पीने की चीज़ों का है। यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी जो है ना चॉकलेट्स वगैरह मिल जाती हैं, आपको यहाँ पे टॉफ़ीज़ वगैरह मिल जाएंगी। तो काफ़ी सारा सामान जो है ना आप इस सेक्शन से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये जिस तरह मैंने आप लोग को वाव फार्म में और बाकी मार्केट्स में मदीना की दिखाई थी, इसी तरह यहाँ से भी आपको पैकेट्स वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो भी ब्रांच यहाँ पे और मदीना में जिसकी ब्रांच हुई वो अगर ऐसी कोई भी मार्केट हो तो वो मैं आप लोग को स्पेशल मेंशन कर दिया करूँगी कि जो लोग मदीना वाले हैं वो भी इसी ब्रांच से जाके सामान बाय कर सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।